गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं केमामी सेवई। तो मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, तो ईद के लिए आप जरूर बनाए इस ईद पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमामी सेवई। तो मैं केमामी सेवई के लिए चाशनी बना रही हूँ। वैसे तो चाशनी आपका इसमें पानी पे बनता है, लेकिन मैं दूध में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास दूध ले लिया है और एक बड़े चम्मच से, चम्मच का साइज आप देख सकते हैं, एक बड़े चम्मच से यानी 4 टेबल स्पून से भी ज्यादा मैंने चीनी लिया है। चीनी आप अगर ज्यादा पसंद करते, वैसे कि मामी सेवई बहुत मीठी होती है, तो आप चीनी ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम दूध में चाशनी बनाएंगे। ठीक है, अब इस पैन में मैं 1 टेबल स्पून घी ले रही हूँ। इधर मेरी चाशनी तैयार हो चुकी है, देखिए एकदम पतली आपको बनानी है। वैसे आप पानी से बनाएंगे तो एकदम पतली बनानी है आपको। तो दूध की चाशनी मेरी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ मेरा घी गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप जो चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स लीजिए और मैं इसके अंदर डालूंगी इसे। और इसे बस हल्का, आपको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, आपको बस हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का सा, ताकि इसका स्मेल अच्छा हो जाए, ताकि इसे खुशबू आए। ठीक है, तो आपको हल्का सा इसको करना है। तो देखिए ये हल्का रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी घी में जिसमें मैंने रोस्ट किया था उसमें ही अपनी सेवई डालेंगे। ठीक है, और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे हम। ठीक है, आप चाहे तो सेवई को पहले से तोड़ सकते हैं या फिर इसमें तोड़ लीजिए। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज कलर का, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे कलर अच्छा आ जाएगा सेवई का। अब मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क डाल रही हूँ। ठीक है, उसका जो पाउडर आता है वो, तो ड्राई मिल्क डाल के आपको इसे अच्छी तरह से थोड़ा देर भूनना है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें चाशनी ऐड करेंगे। तो हमारी सेवई भुन चुकी है, थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी भुनी भुनी से आ रही है। उसके बाद ही हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे, आप भी इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें हम अपने दूध से बनी चाशनी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम चलाएंगे। अब आपको इसे लगातार चलाते रहना है। ठीक है, याद रखें, और जो रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स था उसको भी इसमें अच्छी तरीके से पूरा डाल दीजिए और इसे चलाते रहें आप। ठीक है, तो देखिए हमारी केमामी सेवई एकदम बिल्कुल गल चुकी है, एकदम इसमें अच्छा सा केमाम लग चुका है। और जब ये हल्का खुश्क हो जाए तब आप इसे डिश आउट करें। ठीक है, तो देखिए हमारी केमामी सेवई बिल्कुल ऑयल छोड़ चुका है, जो घी था उसमें वो एकदम छोड़ चुका है, तो ये रेडी हो चुका है, अब इसे डिश आउट करते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारी केमामी सेवई बनके तैयार है मेरे स्टाइल में। तो आप घर पे बनाइए इस ईद में और मुझे बताइए कमेंट करके कैसा बना है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।